सूरज कंप्यूटर में आपका स्वागत है। ये हमारे पास HP मिनी लैपटॉप आया हुआ है, जिसमें कि प्रॉब्लम क्या है, ये कस्टमर का है लैपटॉप है और इसमें पानी गिर गया है और कस्टमर ने गलती क्या की है कि जैसे ही वो गिरा वो उसने उसी टाइम इसको स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद ये जो स्टार्ट नहीं हुआ और इसके जितने भी मदरबोर्ड के सारे पार्ट्स हैं शॉर्ट हो गए हैं और ये प्रॉपरली डेड हो गया है, ये किसी भी कंडीशन में ऑन नहीं हो पा रहा है। आजकल हो क्या रहा है, घर पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हर किसी का, तो वर्क फ्रॉम होम में लोग चाय कॉफ़ी हाथ में लेके हर तरह घूमते रहते और एट अ टाइम उसी टाइम लैपटॉप भी हाथ में ही रहता है और चाय और कॉफ़ी उस पर गिर जाता है। उसके बाद आप ऑन करने की, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, आप एट अ टाइम इसे ऑन ना करें और सबसे पहला अगर आपको स्टेप लेना है तो सबसे पहले उसकी बैटरी जो है उसे रिमूव कर दें और रिमूव करने के बाद उसे कुछ देर तक 2-4 घंटे तक उसे वैसे ही छोड़ दें ताकि उसमें जहाँ जहाँ भी लिक्विड गया हुआ है वो निकल जाए या सूख जाए। उसके बाद ही उसमें कोई एक्टिविटी करना हो तो करें या मे बी पॉसिबल हो तो किसी टेक्नीशियन से हेल्प लें उसके लिए। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके लैपटॉप में आता है किसी भी कंपनी के लिक्विड डैमेज या कोई भी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें ताकि आपको बेनिफिट हो और बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो।